कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 12 नवंबर 1993 को रिलीज हुई बाजीगर शाहरुख के करियर की पहली माइलस्टोन मूवी थी। 4 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने लगभग 32 करोड़ रुपए की कमाई की थी और उस वक्त ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख के अलावा फिल्म में काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, सिद्धार्थ, जॉनी लीवर, राखी, अनंत महादेवन, दिनेश हिंगू और आदि ईरानी सरीखे कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान और इसे लिखा था रोबिन भट्ट, आकाश खुराना और जावेद सिद्दीकी ने। फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था अनु मलिक ने और इस फिल्म के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा चले थे। उस जमाने में बाजीगर के म्यूजिक एल्बम की 1 करोड़ कैसेट सेल हुई थी। अनु मलिक को बाजीगर के लिए फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। किस्सा टीवी पर आज पेश है बाजीगर फिल्म की मेकिंग से जुड़े कुछ अनसुने और बड़े ही रोचक फैक्ट्स, और हमें पूरा यकीन है कि आपको बाजीगर फिल्म की ये अनसुनी कहानियां जरूर पसंद आएंगी। लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। कहा जाता है कि अब्बास मस्तान ने शाहरुख से भी पहले बाजीगर फिल्म अक्षय कुमार को ऑफर की थी, लेकिन लीड करेक्टर अजय शर्मा की नेगेटिविटी की वजह से अक्षय ने ये फिल्म ठुकरा दी। अक्षय के ठुकराने के बाद अब्बास मस्तान ने बाजीगर में काम करने का ऑफर सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान को भी दिया, लेकिन अरबाज ने भी उसी वजह के चलते ये फिल्म छोड़ दी जिसकी वजह से अक्षय ने छोड़ी थी। और वो कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। चूंकि ये फिल्म शाहरुख के नसीब में लिखी थी तो उन्हें ही मिली, और आगे क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। बाजीगर जब रिलीज हुई थी तब शाहरुख लंदन में थे। दरअसल लंदन में भी बाजीगर का एक बड़ा प्रीमियर रखा गया था, और जिस वक्त शाहरुख लंदन में थे उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बाजीगर का रेस्पॉन्स कैसा रहा। करण जौहर के पिता यश जौहर ने तब लंदन में शाहरुख को फ़ोन करके बताया था कि फिल्म को ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है और फिल्म बहुत बड़ी हिट बनने जा रही है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन बात एकदम सच है। अब्बास मस्तान ने बाजीगर फिल्म में काम करने के लिए अजय देवगन से भी बात की थी, लेकिन अजय ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। हालांकि अजय के इनकार की वजह लीड किरदार का नेगेटिव होना नहीं बल्कि कुछ और था। अजय ने उस वक्त अब्बास मस्तान से काफ़ी ज़्यादा पैसे इस फिल्म में काम करने के एवज में मांग लिए थे और कह दिया था कि इससे कम में वो फिल्म में काम नहीं करेंगे। अजय को लगा कि अब्बास मस्तान उनकी बात ज़रूर मानेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजीगर के डायरेक्टर अब्बास मस्तान चाहते थे कि इस फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट किया जाए, वो भी डबल रोल में, लेकिन बाद में उन्होंने ये इरादा ड्रॉप कर दिया, ये सोचकर कि अगर शाहरुख श्रीदेवी की हत्या करते हुए दर्शकों को दिखेंगे तो दर्शक ये बात हजम नहीं कर पाएंगे। दर्शकों को लग सकता है कि एक नया लड़का कैसे श्रीदेवी जैसी एस्टेब्लिश एक्ट्रेस की हत्या कर सकता है। तब जाकर उन्होंने काजोल और शिल्पा शेट्टी को इस फिल्म में कास्ट किया। बात अगर बाजीगर फिल्म के म्यूजिक की करें तो इसमें मौजूद सभी गाने खूब पसंद किए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हिट हुआ था ये काली काली आंखें। इस गीत को कुमार सानू ने गाया था, और ये वो दौर था जब कुमार सानू की गायकी हर तरफ धूम मचा रही थी। इस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं है कि कुमार सानू ने ये गीत रिकॉर्ड किया और वो अपने घर चले गए, लेकिन प्रोड्यूसर्स को लगा कि कुमार सानू को एक दफा फिर से ये गीत रिकॉर्ड करना चाहिए। उन्होंने जब कुमार सानू से दोबारा ये गीत रिकॉर्ड कराने को कहा तो कुमार सानू हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर प्रोड्यूसर्स को कहां से गीत में कमी लग रही है। उन्होंने भी प्रोड्यूसर्स को टरकाना शुरू कर दिया और आखिरकार फिल्म को ऐसे ही रिलीज करना पड़ा। सानूदा का गाया ये काली काली आंखें गीत इतना हिट हुआ कि फिल्म फेयर ने उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड से नवाजा।
बाजीगर के ठीक 42 दिन बाद शाहरुख की ही डर फिल्म भी रिलीज हुई थी और उस फिल्म में दर्शकों ने एक बार फिर से शाहरुख को विलेनियस रोल में देखा। डर भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई और शाहरुख के पैर फिल्म इंडस्ट्री में और मजबूती से जम गए। बाजीगर फिल्म के लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था और डर के लिए शाहरुख को बेस्ट विलेन अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। बाजीगर में जॉनी लीवर की कॉमेडी देखने लायक है और जैसे बाजीगर ने शाहरुख, काजोल और शिल्पा शेट्टी का करियर सेट किया था, वैसे ही जॉनी लीवर के लिए भी ये फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुई थी क्योंकि बाजीगर के बाद ही जॉनी लीवर को फिल्म इंडस्ट्री के टॉप क्लास कॉमेडियंस की कतार में शुमार किया जाने लगा था। लेकिन ये बात भी अपने आप में अनोखी है कि अब्बास मस्तान ने जॉनी लीवर को साइन तो कर लिया था लेकिन उन्हें कोई डायलॉग नहीं दिया था। अपने सीन्स में जॉनी जो भी डायलॉग्स बोलते दिखते हैं वो उन्होंने खुद ही ऑन द स्पॉट बोले थे। अब्बास मस्तान के सामने बाजीगर की शूटिंग शुरू होने के बाद पहली बड़ी चुनौती आई किसी ऐसे बंगले की तलाश करना जिसे मदन चोपड़ा के बंगले के तौर पर दिखाया जाए। तब शाहरुख खान अब्बास मस्तान को अपने साथ दिल्ली लेकर आए। शाहरुख ने दिल्ली के कई फार्म हाउसेस अब्बास मस्तान को दिखाए जिनमें से एक फाइनली उन्हें पसंद आ गया और मदन चोपड़ा यानी एक्टर दिलीप ताहिल के बंगले वाले सभी सीन्स वहीं पर शूट हुए। बाजीगर से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि अरबाज खान ही नहीं सलमान खान को भी ये फिल्म ऑफर की गई थी लेकिन उस वक्त सलमान खान को लगा कि करियर की शुरुआत में अगर वो विलेनियस रोल करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। हालांकि तब सलमान के पिता सलीम खान ने अब्बास मस्तान से कहा कि अगर माँ के किरदार को जिसे राखी जी निभा रही थी उसे एक गाना दे दिया जाए तो सलमान फिल्म में काम कर सकते हैं लेकिन उस वक्त अब्बास मस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुए। बाजीगर फिल्म के लिए कुल 8 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए गए थे लेकिन फिल्म में रखे गए कुल 5। विनोद राठौर और अलका याग्निक का गाया समझकर चांद गीत इस फिल्म से हटा दिया गया था। वहीं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया तेरे चेहरे पे भी फिल्म में नहीं है जबकि पंकज उदास का गाया छुपाना भी नहीं आता गीत भी फिल्म में नहीं लिया गया था जबकि ये सभी गीत आपको YouTube पर मिल जाएंगे। डायरेक्टर अब्बास मस्तान तो विनोद राठौर का गाया छुपाना भी नहीं आता गीत भी हटाना चाहते थे लेकिन वो गीत शाहरुख की गुजारिश पर उन्होंने फिल्म में रहने दिया और वो गीत भी बहुत हिट हुआ था। अब्बास मस्तान को बाजीगर फिल्म के लिए 2 एंडिंग्स शूट करनी पड़ी थी। दरअसल फिल्म में शाहरुख की मां का रोल निभा रही एक्ट्रेस राखी गुलजार ने अब्बास मस्तान को सलाह दी थी कि पब्लिक को ये बात पसंद नहीं आएगी कि फिल्म का हीरो ही आखिर में मर जाए। भले ही हीरो ने गंदे काम किए हैं लेकिन अगर आखिर में वो सुधर जाएगा तो पब्लिक फिल्म से कनेक्ट होगी। कुछ ऐसी ही बात अब्बास मस्तान से 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी कही थी। इनका कहना था कि फिल्म की एंडिंग कुछ ऐसी रखनी चाहिए कि अंत में शाहरुख को पुलिस पकड़कर ले जाए और वो जेल में बंद हो जाए। राखी और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात मानते हुए अब्बास मस्तान ने एक और एंडिंग शूट कर ली लेकिन जब एडिटिंग टेबल पर उस एंडिंग को फिल्म से जोड़ा गया तो उसमें वो दम दिखा ही नहीं जो शाहरुख की मौत वाली एंडिंग में दिख रहा था और वो एंडिंग देखकर आखिरकार राखी गुलजार व उन दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी शाहरुख की मौत वाली एंडिंग के लिए राजी होना पड़ा। बाजीगर में दलीप ताहिल के किरदार ने जो अनंत महादेवन के किरदार के साथ किया था ठीक वैसा ही राम लखन फिल्म में अमरीश पुरी ने दलीप ताहिल के साथ किया था यानी धोखे से सारी जायदाद हड़प लेना। और इत्तेफाक से इन दोनों ही फिल्मों में राखी ने विक्टिम की पत्नी का रोल निभाया था और दोनों ही फिल्मों में बेटों ने अपने पिता के साथ हुए धोखे का बदला लिया था। हालांकि बाजीगर की एंडिंग राम लखन की एंडिंग से एकदम अलग थी।
बाजीगर में शिल्पा शेट्टी यानी सीमा चोपड़ा की फ्रेंड अंजलि सिन्हा का रोल एक्ट्रेस रेशम टिपनिस ने निभाया था। ये सीमा की वही फ्रेंड थी जो प्रिया यानी काजोल के सामने विक्की यानी शाहरुख की असलियत बताने वाली थी, लेकिन प्रिया तक पहुंचने से पहले ही राहुल उर्फ विक्की उसका मर्डर कर देता है। रेशम टिपनिस के मर्डर का वो सीन जब फिल्माया जा रहा था तो शाहरुख उस सीन में इतनी गहराई से उतर गए कि उन्होंने रेशम की गर्दन बहुत ज़्यादा कस के पकड़ ली, इतनी कि रेशम को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। रेशम ने किसी तरह अपने नाखून शाहरुख के कोट की एक साइड पर जोर से गड़ा दिए। वो सीन तो एकदम रियलिस्टिक अंदाज में कंप्लीट हो गया, लेकिन शाहरुख के पेट पर रेशम के नाखूनों के स्क्रैचेस बन गए थे। बाजीगर में जॉनी लीवर का वो सीन जब वो दीवार में कील उल्टी तरफ से गाड़ते हैं, वो आज भी लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद है। ये सीन वास्तव में एक बड़ी पुरानी फिल्म से जॉनी लीवर ने कॉपी किया था। साल 1951 में आई देवानंद की सजा फिल्म में हूबहू एक ऐसा ही सीन है, और वो सीन कॉमेडियन गोप और कॉमेडियन मुकरी पर फिल्माया गया था, और उस फिल्म में दीवार पर उल्टी कील मुकरी गाड़ रहे थे। शाहरुख बाजीगर फिल्म का हिस्सा कैसे बने इसके बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। उनमें से एक के मुताबिक अब्बास मस्तान को शाहरुख का नाम सुझाया था एक्टर अमृत पटेल ने। अमृत पटेल शाहरुख के साथ उनके पहले टीवी शो फौजी में काम कर चुके थे, और वो एक्टिंग को लेकर शाहरुख के पैशन और उनकी डेडिकेशन से बड़े प्रभावित थे। अमृत पटेल ने जब अब्बास मस्तान को बताया कि शाहरुख नाम का लड़का इस रोल के लिए फिट रहेगा, तो उन्होंने शाहरुख से मिलने का इरादा बना लिया, और कहानी सुनने के बाद शाहरुख ने भी इस फिल्म के लिए हाँ कह दी। वैसे अमृतपाल ने भी बाजीगर में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। वो बाजीगर में दलीप ताहिल के ड्राइवर के रोल में नजर आए थे।